चलो अब देखते हैं कुछ खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कुल 13 सरकारी विश्वविद्यालय संचालित हैं। साल 2014 में इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया की पॉलिसी का विरोध कर दिया था। नतीजा तब से अब तक सरकार ने भर्ती ही नहीं होने दी। हर साल प्रोफेसर रिटायर होते जा रहे हैं और 73% पद खाली हो गए। खाली पदों की वजह से छात्रों की पढ़ाई और शोध कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन करना चाहती थी। जुलाई 2014 में विधेयक तैयार हो चुका था। इसके तहत विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स की भर्ती, उनके ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति के अधिकार सरकार के पास चले जाने वाले थे। इस प्रकार विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों पर सरकार का कंट्रोल हो जाने वाला था। बदले में सरकार ने विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर की भर्ती नहीं होने दी। तब से लेकर अब तक सरकार इतने गुस्से में है कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का सिस्टम ही चौपट हो गया। प्रदेश में सरकारी 13 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में 1942 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1428 पद खाली पड़े हैं। मात्र 514 प्रोफेसर कार्यरत हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में 73% पद खाली हैं। भोज विश्वविद्यालय में मात्र 20% पद भरे हैं। विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों से छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही खाली पड़े पदों को लेकर सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने घुटने टेक दिए हैं और सामूहिक समर्पण के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संकल्प लिया जाएगा कि कोई भी कुलपति विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के संशोधन में अड़ंगा नहीं लगाएगा। इसके बाद अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।